वहाँ पे जो शाहरुख खान का क्रेज है यूएई में, लोग कितना इंतजार करते हैं उनके फिल्मों का। आप अगर शाहरुख खान को बोलेंगे सिर्फ शाहरुख, तो बोले आपने खान क्यों नहीं मिलाया। शाहरुख खान जून में आने वाले थे 2 तारीख को जवान लेके अपनी, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दी, शायद कुछ और बाकी था, शूट और सीजीआई और कुछ कलर ग्रेडिंग, कुछ ना कुछ उनका बाकी था। September 7th की डेट ली है शाहरुख खान ने, बड़ी फिल्म है, उसमें भी हम देख रहे हैं बॉलीवुड और साउथ दोनों मिल के आ रहे हैं। साउथ के डायरेक्टर है एटली, पोस्टर आया और एक मूविंग पोस्टर उन्होंने रिलीज किया जवान का, पट्टी बांध के हुए ऐसे भाला लेके हुए, कैसा लग रहा है सर? मैंने मेरी दाद आपने देखी शायद, आप बोले कि कुछ वजह थी, हम सबको पता है कि क्या वजह है। आदिपुरुष जो रिलीज हो रही थी जून में, आपका टक्कर एक ऐसी फिल्म से हो रहा था जो आप आराम से बाजी मार लेते थे। लाल सिंह चड्ढा, जब वही बात हुई थी लाल सिंह चड्ढा के साथ, सब बोल रहे थे अरे ग्राफिक्स, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, हम सब जानते क्या वजह। अभी मैदान भी जो अजय देवगन की अभी तक लेट हो जाए, हम सब जानते हैं बोनी कपूर की वजह से लेट हो रही है फिल्म। 10 times डेट चेंज, कितने बार तो ये लेट होने का, या बोलते हैं मैं पोस्टपोन करूँगा, ये चलन चल रहा है बहुत ज़माने से। पहले ज़माने में ऐसा होता था लेकिन इतना नहीं जैसे कि आजकल। अब कब से, एक साल पहले से अनाउंसमेंट कर दिया कि जून में आने वाली है फिल्म, तो हम सब खुश थे। और पठान का जो बड़ा सैलाब आया, उसकी वजह से आपकी फिल्म बढ़िया रहेंगी, क्योंकि आपके सब बोलेंगे पठान है, जवान है, शाहरुख खान है, तो उनकी फिल्म है आने वाली, तो सब देखेंगे ज़रूर। और फिल्म, कोई भी फिल्म आएंगी, वही फिल्म डरेंगी जवान से, जवान नहीं डरेंगी। तो ये डरने की बात कैसे हो गई, बोलेंगे नहीं मैं डरा नहीं। तो फिर चला शाहरुख खान का जो प्लानिंग रहती है, शाहरुख खान आजकल वो बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं अपने फिल्मों के, जो पैकेजिंग रहती है प्रमोशन, या तो सब बोल रहे थे अरे जून में नहीं तो फिर अगस्त में रिलीज हो, सबको अगस्त में बोल रहे हो, तो बोले अच्छा मैं अभी कुछ करने वाला हूँ 7 September, 1-2 दिन के बाद। तो ये कोई बात नहीं, फिल्म हम इंतजार करेंगे फिल्म देखने का, लेकिन ये मुझे पता नहीं कुछ कमज़ोरी थी फिल्म मेकर का, कि मैं जून में, जून इतना खाली पड़ा है, ये जून बिल्कुल खाली पड़ा, मई से लेकर जून तक, जून का महीना और मई का महीना बहुत ही, जैसे आपके लैंग्वेज में महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा महीना रहता फिल्मों का। जून में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, दिल घायल, या फिर ज़माने में शोले, मेरे ख्याल से ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में आई। अभी कई फिल्मों का भी रिपीट हो रहा है, यानी यादगार आ रही है जून में, तो हमारे पास भी बहुत गर्मी रहती है जून में, सब सिनेमा हॉल में जाके फिल्म का लुत्फ लेते हैं यहाँ पर भी। तो आपने ये जून और मई का महीना गंवा दिया छोटी मोटी फिल्मों की वजह से। तो सितंबर में आने वाले, हमारे पास स्कूल शुरू होने वाले हैं, यहाँ पर भी शायद स्कूल या वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो कौन सी पब्लिक का आप इंतज़ार कर रहे हैं? टीनेजर तो आपकी पब्लिक सुबह में नहीं आएंगे, जो आएंगे आफ्टरनून या उसके, या भाग के आएंगे स्कूल से। अगर फिल्म थोड़ा एवरेज रहेंगी तो बहुत खतरा रहेगा फिल्म के ऊपर। लेकिन मैं इस फिल्म का बेहद पोस्टर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फिल्म का बेहद सब रीजन इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट के डायरेक्टर है उसमें शाहरुख खान के साथ, मेरे एक फेवरेट भी एक्टर है विजय, सेतुपति, आई लव दिस गाय, थलापति एंड सेतुपति दोनों है, ये दोनों है, तो ये देखने में मजा आएगा इन दोनों का। वहाँ पे जो शाहरुख खान का क्रेज है यूएई में, अबू धाबी, दुबई साइड में, कैसा है, किस तरह का है, लोग कितना इंतजार करते हैं उनके फिल्मों का? उनका इतना बड़ा क्रेज है कि आप अगर शाहरुख खान को बोलेंगे सिर्फ शाहरुख, तो बोले आपने खान क्यों नहीं मिलाया, आपने शाहरुख खान किंग क्यों नहीं बोला, आपने बादशाह क्यों नहीं बोला, तो इतना पेट्रोल किया जाता है, इतना प्यार करते शाहरुख खान से लोग कि मैं क्या बोलूँ। मतलब क्रेज बहुत, क्रेज बहुत बड़ा क्रेज है, चाहे फिल्म भी फ्लॉप भी, जैसे कि दिलवाले बहुत बड़ी सुपर फ्लॉप थी, मैंने फिल्म को 1.5 star दिया था, तो बहुत ट्रोल हुआ मैं, और कहीं भी जब जाता हूँ मुझे गाली मिलती थी शाहरुख खान के, बोले मेरी फिल्म बकवास फिल्म है, सब समझ रहे कि बड़ी फिल्म है, शाहरुख खान है तो बड़ी फिल्म है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी है, उनके लिए ऐसा है। तो एक इंडियन सुपर स्टार का वहाँ पे इतना क्रेज बिल्टअप होना किस तरह हुआ और क्यों हुआ, मैं बताऊँगा। मेरे ज़माने की बात मैं छेड़ता हूँ, और मेरे जो लोग
जो पहले थे वो लोग राज कपूर के बहुत बड़े फ़ैन थे जो 60s के ज़माने के थे और वो देखते थे राज कपूर के, जैसे कि संगम या फिर उनकी फिल्म में जिस देश में गंगा बहती है, ऐसी फिल्में रिलीज़ होती थी वहाँ पर। तो ये राज कपूर का जिम्मा था और दिलीप कुमार भी थी साथ में। लेकिन जेनरेशन जो आई बचपन बच्चे के जो हमारी जनरेशन छोटे थे, वो धर्म जी और अमिताभ की वजह से ये दो सुपरस्टार, ये लोगों ने जिम्मा ले लिया था बॉलीवुड को और ज़्यादा फैलने के लिए सारे गल्फ़ और मिडिल ईस्ट में। तो उनकी वजह से फिल्में ज़्यादा देखने लगे लोग और ज़्यादा लोग VH ख़रीदने लगे। आपको बताऊं कि जब हुकूमत रेज हुई थी 87 में, हमारे पास सिर्फ दो सिनेमा है अबुधाबी में जो हिंदी फिल्म दिखाते हैं। ये दो सिनेमा में हुकूमत चल रही थी धर्म जी की, और वो जो इंग्लिश फिल्म दिखा रहे थे वो बंद कर दिया अपने सिनेमा पर, क्योंकि हुकूमत धर्म जी की, सब लोग धर्म जी के लिए आए थे। जब शहंशाह रिलीज़ हुई थी, शहंशाह का टिकट नहीं, शहंशाह पहले हमारे पास टिकट थी 10 दरहम। 10 दरहम आजकल पता नहीं कितने, जैसे कि यहाँ के 250 रुपये 10 दरहम में। जब शहंशाह रिलीज हुई तो 20 दरहम डबल प्राइस। क्यों शहंशाह रे, अमिताभ वापस आ गए तो हम लोग भी वहाँ जाते, क्यों अमिताभ के, सब अरब लोग बोले अमिताभ। तो सबको पता चला कि ये लोग, ये दो दिग्गज कलाकार हैं, उनके उनके साथ विनोद खन्ना, जितेंद्र, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, ये सब है। लेकिन धर्म और अमिताभ, मैं पक्का यकीन से बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, जितने भी अरब लोग जो देख रहे हैं मुझे, वो सब जानते हैं कि ये दो लोग हैं, इनकी वजह से, शोले फिल्म की वजह से ये चलता रहा सिलसिला। और आजकल आप देख रहे हैं शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये लोग का, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये बैक स्टोरी है। या वहाँ यहाँ के सुपरस्टार वहाँ पे क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं। हमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया एंड बहुत सारी बातें हुई है हमारी। वापस मैं कहना चाहूँगा सभी को, 11 अगस्त को वापस आएंगे हम हमद अल रियामी सर के पास में एंड और भी बहुत सारी बातें करेंगे ऑन बॉलीवुड। और आप भी हमें बताना कमेंट्स में आप क्या जानना चाहते हैं इनसे, वो भी सारे सवाल। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।